और फरमाया कि भाई इसके साथ साथ देखो ये रमज़ान है, ये आगे ताक रातें आने वाली हैं, ये ताक रातें याद रखिएगा, इन ताक रातों का अमल एक ही है। अम्मा जान ने पूछा क्या दुआ पढूं, ये रातें आने वाली हैं, क्या मांगूं? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़ाफ़ा, या अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, या अल्लाह आपको माफ़ी पसंद है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह गुनाहों को ये गुनाहों से मुआफ़ी की रातें हैं, तोबा की रातें हैं, दुआ की रातें हैं, तीन अमल हैं इसके बड़े, ये याद रखिएगा। ये रातें अल्लाह ने इसलिए अता फरमाई हैं, इन रातों के अंदर इस्तग़फ़ार का अहतमाम, तोबा का अहतमाम, और इन रातों में ख़ास तौर पर दुआ का अहतमाम, याद रखिए ये दुआओं का महीना है, ये इस्तग़फ़ार का महीना है। अल्लाह को इस्तग़फ़ार पसंद है, हाँ इस्तग़फ़ार पसंद है अल्लाह जल्ले शानहु को, और फरमाया कि ऐसा अमल है कि जब आदमी इस्तग़फ़ार की कसरत करता है वो कौम कर लेती है। तो अगर इज्तिमाई सतह पर कौम इस्तग़फ़ार कर रही होती है, गुनाहों की माफ़ी मांग रही होती है, तो अल्लाह कभी उस कौम पर इज्तिमाई अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाते। और अल्लाह तबारक व ताला बंदा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करता है, अल्लाह रिस्क की तंगी को दूर फरमाते हैं, अल्लाह जल्ले शानहू उसकी अगर बे औलाद हो तो औलाद अता फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला कर्ज से खुलासी अता फरमाते हैं, मुश्किल तंगी से आसानी फराकी निकालते हैं, इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं, अल्लाह जल्ले शानहू को पसंद है, अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह आदमी अल्लाह से माफ़ी मांगे और मुआफ़ी मांगने में इस यकीन के साथ मुआफ़ी, अल्लाह ने गुनाह मुआफ़ कर दिए, फरमाया समंदर के झाग की बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह मुआफ़ कर देंगे, समंदर के झाग की बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह मुआफ़ कर देंगे, अल्लाह को मुआफ़ी पसंद है, अल्लाह को प्यार आता है। तो इस्तग़फ़ार का महीना है ये। हमारे शेखुल हदीस साहब थे, हमारे उस्ताद थे, सादे से आदमी थे, और वो एक दफ़ा हम बैठे हुए, उनके पास जो है वो एक आदमी आया, और वो हज़रत लाहौरी के खलीफा थे, तो उनसे आकर कोई परेशानी ज़ाहिर की और अपना कोई वजीफ़ा पूछा उनका, वो पूछा उससे उन्होंने, ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी हैं? अगर कोई ये कह देता उनसे आके कि मेरे माँ बाप तो राज़ी नहीं, एक घरों मसला हो गया सी, जदों शादी हुई है उदों में मसला थे गया, पहले तो नाल रहते सी, फिर हूँ चिक चिक थी गई है, अलग हो गए, कोई ऐसी बात कोई सुना देता तो हज़रत फरमाते थे मेरा वजीफ़ा अमल नहीं करेगा। फरमाया पहले माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप को राज़ी नहीं किया, फरमाया ये दुआ ऊपर नहीं जाती, अटकी रहती है जब तक माँ बाप राज़ी ना हो, माँ बाप को राज़ी करो। और फिर फरमाया करते थे हर अमल के लिए कसरत इस्तग़फ़ार हर वजीफे के साथ। तो हमने एक दफ़ा पूछा उस्ताद जी हर अमल में आप इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, तो फरमाया करते थे कि भाई देखो ये गुनाहों की नहूसत होती है जिसकी वजह से बेबरकती और परेशानियां आया करती हैं। आदमी गुनाहों से तोबा कर ले और गुनाहों को मुआफ़ फरमा ले तो बरकत के दरवाज़े, रहमत के दरवाज़े, आफ़ियत के दरवाज़े खुल जाते हैं और आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं और बेबरकतियाँ दूर हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अब इस्तग़फ़ार का अहतमाम करना है हमको, ये देखें ये इस्तग़फ़ार का अहतमाम करना है। इस्तग़फ़ार किसे? पिछले गुनाहों पर मुआफ़ी मांगना। किसी वक्त में बैठो और बैठ के देहान जमा कर आदमी गुनाहों को शुमार करता चला जाए, इस्तग़फ़ार करता चला जाए, गुनाहों को शुमार करता चला जाए, इस्तग़फ़ार करता चला जाए। और जब इस्तग़फ़ार कर रहा है किसी के बारे में, कोई मेरा बुरा ख्याल आया है उसके बारे में, कोई ख्यालात गलत आए हैं, कोई अमल गलत हो गया है, निगाह ने गलत देखा, ज़ुबान ने गलत बोला, कान ने गलत सुना, दिल ने गलत सोचा, अब जो कुछ है इस पे आदमी इस्तग़फ़ार करता चला जा रहा है, इस्तग़फ़ार कर ले, चलते फिरते उठते बैठते तो करना ही है, लेकिन किसी वक्त जमा कर बैठना है, ध्यान जमा, अल्लाह मैं गुनाहों के समंदरों में डूबा हूँ, अल्लाह माफ़ करने वाली जात, अल्लाह आपको माफ़ी पसंद है, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी मांगना। और इसके साथ साथ दूसरा अमल है तौबा, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तौबा कहते हैं नदामत को, शर्मिंदगी को, पिछले किए पे नदामत, आइंदा ना करने का अज़म और गुनाह को तर्क कर देना, हाँ इसका नाम है तौबा।
अत्ताइब मिनत जंबे कमल लाजबल हो, गुनाहों से तोबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। फरमाया कुल्लुकुम खताऊन, सब के सब जितने इंसानों सब खताकार हो, सब खताकार हो, बेहतरीन खताकार वो हैं जो तोबा करने वाले। कौन है? जो तोबा करने वाले हैं। अल्लाह को तोबा पसंद है। फरमाया तोबा अल्लाह जल्ले शानहु तोबा कबूल फरमाते हैं। फरमाया जिसको चार चीजें मिल गईं, शुक्र की तौफीक मिल गई, नेमत में इजाफा हो गया, और अगर उसको इस्तग़फ़ार की तौफीक मिल गई, गुनाह मुआफ हो गए, गुनाह मुआफ हो गए, तोबा की तौफीक मिल गई, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी तोबा को कबूल कर लिया, तोबा को कबूल कर लिया, तोबा की तौफीक मिल गई तो तोबा कबूल हो गई है। और पिछले पे नदामत करनी है, नादिम होना है, शर्मिंदगी है, और गुनाह को तर्क करना है। ये तर्क करने का क्या मतलब है? तर्क करने का मतलब ये है कि एक तो उस गुनाह को छोड़ दो, उन जराए को छोड़ दो, उस कंपनी को छोड़ दो, उस सोहबत को छोड़ दो, उन दोस्तों को छोड़ दो जिसकी वजह से गुनाह में मुलव्वस हुए थे। हाँ, ये याद रखिएगा, वरना शैतान फिर घुमा के ले आता है। नहीं 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 नहीं, हम जरा जाएंगे दोस्तों की, भाई उससे निकलो, पहले उस कंपनी से निकलो। इंसान सोहबत से गैर इख्तियारी तौर पे मुतासिर होता है, गैर इख्तियारी तौर पे मुतासिर होता है। आप एयर कंडीशन कमरे में चले जाएं, नियत करें या ना करें, नियत करें या ना करें, आपको ठंडक महसूस होगी। फरमाया के मिसाल दे दी इसमें कि अच्छी सोहबत की मिसाल क्या है, जैसे आदमी अतर की दुकान पे जाए, अतर ना भी खरीदे खुशबू तो पहुंच ही जाती है। बुरी सोहबत फरमाया ऐसा है जैसे लोहार की दुकान पे जाए, लोहा ना भी खरीदे तो कोई ना कोई चिंगारी कपड़े पे पड़ ही जाती है, कोई ना कोई चिंगारी कपड़े पे पड़ ही जाती है। तो फरमाया कि भाई क्या करे आदमी, आदमी तोबा का एहतमाम करे और गुनाह को तर्क करे, सोहबत को बदले। और इस पे इस्तकामत कैसे मिलती है? इस्तकामत के लिए अल्लाह ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, अच्छी सोहबत को इख्तियार कर लो। अब ये तोबा पे इस्तकामत मिल जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी, फिर गलती हो जाए कोई मसला नहीं, टूट जाए फिर तोबा कर लो, अल्लाह को पसंद है ये, अल्लाह को प्यार आता है। तो तोबा वो अमल है जो गुनाहों को आदमी तर्क करे, आइंदा ना करने का अजम करे, और अब तोबा से गुनाह मुआफ हो जाते हैं, लेकिन जो हुकूक जिम्मे में है वो बाकी रह जाते हैं, हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो। www.darsequran.com